हम सभी ने त्रिकोण देखे हैं, खासकर ये समभुज त्रिकोण जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। पर क्या कभी हमने इसे कागज से मोड़कर बनाकर देखा है? देखने में आसान लगता है पर इतना आसान नहीं है। चलिए आज एक साधारण A4 कागज से समभुज त्रिकोण बनाते हैं। इसके लिए सिर्फ एक साधारण A4 कागज और एक स्केल की जरूरत है। सबसे पहले इस कागज को आधे भाग में बांट लीजिए, लंबाई के तरफ से मोड़कर क्रीज कर लीजिए ताकि ये दो बराबर भागों में बट गया। अब कोई भी एक कोना लेकर ऐसे मोड़िए ताकि वो कोना बीच की लाइन पर आ जाए। वापस से नाखून से दबाकर क्रीज कर दीजिए और आपका समभुज त्रिकोण तैयार है। आश्चर्यचकित हो गए ना, बस एक मोड़ की जरूरत है। ऐसा करने से ये कोना 60 डिग्री के अंश का हो जाता है। तो इस तरह से समभुज त्रिकोण बनाना बहुत ही आसान हो गया। अब हमें इस कागज को ये लाइन की तरफ से फिर से बस मोड़ देना है और ये जो त्रिकोण है ये समभुज त्रिकोण है। और असल में ये A4 साइज से बना हुआ सबसे बड़ा त्रिकोण है। आप इससे बड़ा कोई भी समभुज त्रिकोण A4 साइज के पेपर का नहीं बना सकते हैं। बचा हुआ थोड़ा सा जो टुकड़ा है ये अंदर मोड़ लीजिए और आपका त्रिकोण तैयार। चलिए देखते हैं कि ये सबसे बड़ा समभुज त्रिकोण बनाने के लिए हमने क्या क्या करा। कागज को जब हम वापस से खोलेंगे, सबसे पहले हमने कागज को अपने दो भागों में बांटा लंबाई से मोड़कर। उसके बाद एक कोना पकड़कर उसको ऐसे मोड़ा ताकि वो कोना उस बीच की लाइन पर आके टिक जाए। इससे एक कोण 60 डिग्री का बना और उसके बाद उस कागज को वापस से लंबाई पर मोड़ दिया और हमारा ये त्रिकोण तैयार है। हमने ये भी कहा था कि ये सबसे बड़ा समभुज त्रिकोण है। तो चलिए देखते हैं बाकी समभुज त्रिकोण कैसे बनते हैं। सबसे पहले जब हमने ये कोना मोड़ा था तो जिस पॉइंट पर वो बीच की लाइन पर मिलता है उसको चौड़ाई के बाकी दोनों पॉइंट से जोड़कर मिला देते हैं। इस प्रकार जो ये त्रिकोण बना ये भी एक समभुज त्रिकोण है। पर ये त्रिकोण हमारे दूसरे वाले त्रिकोण से छोटा है क्योंकि इसकी एक भुजा की लंबाई इस कागज की चौड़ाई जितनी है और जो पहले हमने त्रिकोण मोड़ा था उसकी भुजा AB कागज की चौड़ाई से ज़्यादा बड़ी है, इसलिए वो त्रिकोण इस त्रिकोण से ज़्यादा बड़ा हुआ। तो इस तरह से हमने A4 कागज से सबसे बड़ा समभुज त्रिकोण बनाया।